इस वीडियो में बात करेंगे सी के वाई सी के बारे में। बहुत सारी बैंक्स यहाँ पर आपको सी के वाई सी करने के लिए करेंगे, सी के वाई सी नंबर दीजिए। तो सी के वाई सी क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और सी के वाई सी नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सी के वाई सी के यहाँ पर सिंपल मीनिंग है सी फॉर सेंट्रल, और के वाई सी के बारे में जानते हैं नो योर कस्टमर। तो सेंट्रल नो योर कस्टमर इसका फुल फॉर्म है। इस के वाई सी को सिस्टम इसलिए लाया गया कि सेंट्रल लेवल पर एक के वाई सी हो, मीन्स मल्टीपल के वाई सी पहले आपको करना होता था। जैसे कि आप इस फोटो से देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे पहले आपको म्यूचुअल फंड करना होता तो उसके लिए केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलना है तो फिर उसके लिए अलग से केवाईसी, इंश्योरेंस कहीं करवा रहे हैं वहाँ अलग से केवाईसी देना पड़ता था, आपको आधार पैन देना पड़ता था। सी केवाईसी के बाद क्या होगा, अगर सी केवाईसी नंबर एक बार रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहाँ पर आपका एक ही केवाईसी नंबर से सारा काम हो जाएगा, म्यूचुअल फंड में भी, बैंक अकाउंट में भी, इंश्योरेंस कंपनी में, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ जहाँ आप यूज़ करेंगे, बार बार वहाँ पर केवाईसी देने की जरूरत नहीं, बार बार डॉक्यूमेंट्स अलग से प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको एक सी केवाईसी नंबर मिल जाएगा। उसी सी केवाईसी नंबर का यूज़ कर आप जहाँ भी अपना केवाईसी करवाना चाहते हैं ईजिली कर पाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही था, इसलिए सी केवाईसी लाया गया। तो ये सी के वाई सी नंबर जनरेट कैसे होता है, गवर्नमेंट की यहाँ पर बॉडी है CERSAI, सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, वही इसे मैनेज करती है। जितना भी आपका सी के वाई सी का जो नंबर है वो यूज ही करेगी। तो क्या होता है, कस्टमर जैसे न्यू कस्टमर के वाई सी के लिए जाएंगे तो यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट्स जो जाएगा CERSAI के पास जाएगा, जो गवर्नमेंट की बॉडी है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल के वाई सी वो जनरेट करेगी। जो सेंट्रल के वाई सी जनरेट होता है तो वहाँ पर आपको एक 14 डिजिट का नंबर दिया जाता है, इसे हम किन नंबर भी कहते हैं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पर किन नंबर जनरेट हुआ था जो 14 डिजिट का होता है, उसके बाद उस नंबर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में, बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन स्कीम में, जहाँ जहाँ आपको केवाईसी करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ अपना सी केवाईसी नंबर आप देकर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपको बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ भी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवाईसी कराना हो तो आप इस सी केवाईसी नंबर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी केवाईसी का बेनिफिट्स क्या होगा, जितने फाइनेंशियल कंपनीज उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इजी होगा यहाँ पर, क्योंकि कस्टमर का एक सी केवाईसी जनरेट हो चुका है यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे, तो बार बार वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज है, वो डायरेक्टली वहाँ पर सेंट्रल लेवल से ही वेरीफाई कर लेगी आपका डॉक्यूमेंट्स। बार बार उन्हें डॉक्यूमेंट्स आपका लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 14 डिजिट का जो किन नंबर है उसी से आपका जो है केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, आप इन्वेस्ट करते होंगे म्यूचुअल फंड में या फिर, तो बार बार वहाँ पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे तो बार बार वहाँ केवाईसी की जरूरत पड़ती है, तो वो चीजें आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सी केवाईसी आपके पास किया हुआ है ऑलरेडी एक बार, तो यहां पर जो सी केवाईसी नंबर है उसी से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहां पर अलग से बार बार आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह या फिर जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते थे वो चीजें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यहां पर 14 डिजिट का किन नंबर से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक कस्टमर का सी केवाईसी किया हुआ, तो बार बार अलग इंस्टीट्यूशन में यहां पर केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है सी केवाईसी नंबर आपको कैसे मिलेगा, तो आपने बैंक से अप्रोच कर सकते हैं, इतने फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके रखे तो उनको अप्रोच कर सकते हैं कि अपना सी केवाईसी कंप्लीट करें। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सी केवाईसी कंप्लीट कर सकता है, उसका फॉर्म आता है इस तरीके का फॉर्म, एक्सिस बैंक का देख सकते हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड में करेंगे तो इस तरीके का फॉर्म आता है सी केवाईसी का, उसे सबमिट करना पड़ता है। तो ये फॉर्म जब सबमिट होता है तो यहाँ पर जाता है उनके पास CERSAI, जो गवर्नमेंट की बॉडी है उनके पास, वहाँ से वो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, वेरीफाइड हो जाता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आता है कि आपका सी केवाईसी जनरेट हो गया है, और ईमेल पर सी केवाईसी का सर्टिफिकेट भेज दिया जाता है। जैसे कि पहले पेटीएम जो है, आप पेटीएम में अगर आपने पेटीएम पोस्टपेड ले रखा होगा तो वहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड लेने के लिए वहाँ पर सी केवाईसी जनरेट कर रही थी पहले, आपने देख एक साल पहले ये आया था पेटीएम पोस्टपेड, तो वहाँ जितने भी कस्टमर आप होंगे पोस्टपेड के तो वहाँ पर आपने पोस्टपेड के लिए अप्लाई किया होगा, इस तरीके का आपको नोटिफिकेशन दिखता होगा, आपको पहले सी केवाईसी जनरेट होगा उसके बाद पेटीएम पोस्टपेड ले पाएंगे। तो यहाँ पर पेटीएम अपने कस्टमर का खुद ही सी केवाईसी जनरेट कर दे रहे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट कर दिया जा रहा था, जिनका इतना अप्रूवल हुआ था तो उनको सी केवाईसी नंबर मिल गया था। तो अब अलग से कहीं पर सी केवाईसी नंबर जनरेट करने की जरूरत नहीं, एक कस्टमर का एक सी केवाईसी नंबर हो गया तो उसे आप बैंक में भी यूज़ कर सकते हैं, और जितने म्यूचुअल फंड जहीं भी आपने इन्वेस्ट करके रखा है वहाँ केवाईसी की जरूरत पड़ती है तो उस नंबर का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड का एक HDFC में बैंक में अकाउंट था तो उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ईमेल आया हुआ है कि उनका सी केवाईसी जनरेट हो गया, कुछ इस तरीके का ईमेल है आप देख सकते हैं। मेल में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उनका सी केवाईसी जनरेट हो चुका, ऑटोमेटिकली उन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया था अलग से, बैंक ने उनके पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी केवाईसी जनरेट कर दिया है। जनरेट होने के बाद आपको एक मेल पर इस तरीके का सी केवाईसी रजिस्ट्री का सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसमें 14 नंबर का यहाँ पर नंबर होता है जिसे केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, किन नंबर भी कहते हैं, ये नंबर है और बाकी सर्टिफिकेट ये होता है, इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको कहीं भी आप केवाईसी कराने की जरूरत नहीं, सी केवाईसी से ही सारा काम आपको हो जाएगा। कहीं भी आपको प्रोवाइड करना तो सी केवाईसी नंबर आप प्रोवाइड कर लेंगे, आपका सी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा।
तो यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन सी के वाई सी के बारे में। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, क्वेश्चन और क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।